Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. So guys, you know that SBI is already in rounds, bas aane wala hai, sirf 2-3 din ki tiyari reh gayi hai aapki, right? And yes, tiyari kabhi puri nahi hoti, we know that, but still, I've got something for you. Something for SBI means, and that too for the English section, right? So guys, एक बार क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये एरर बेस्ड क्वेश्चन है जो नॉर्मली आपको एग्जाम्स में दिखते हैं, राइट? अच्छा, इनको क्रैक करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इज जो कुछ इस हिसाब से चले. अब देखो, अब आपको पता है क्लर्क लेवल है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं आएगा, राइट? एंड स्टिल मॉडरेट लेवल तो होगा, डेफिनेट, दिस इज डेफिनेट. अगर आपने 1920 के एग्जाम्स देखे हैं तो डेफिनेटली आपको पता लग गया होगा एग्जाम कैसे लेवल का आएगा, राइट? So it says, young industrialist Gunjan Khemka was shot dead on Thursday at the gate of his factory at Hajipur near Patna. So guys, आपको क्या करना है? अब ये ना ये both, only one, only two बहुत तंग करते हैं. So I guess इनको करने का एक best तरीका बताता हूँ आपको क्या है. Check करें. अब देखो, आप ये पढ़ोगे, फिर लोग ये पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ते हैं. It is so much time confusing. बहुत ज़रा time consuming है, right? So, अब क्या करेंगे, ये देखो, अब यंग इंडस्ट्रियलिस्ट की बात हो रही है. सो व्हाट नॉट अगर हम ऐसे पढ़े इन तीनों को, क्योंकि इन तीनों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. बताऊं कैसे? अ यंग इंडस्ट्रियलिस्ट एक थी, यहां पे नहीं है, यानी कि भाई मुझे वन तो चाहिए, ऊपर वाले से बेटर है इसका वन. यंग इंडस्ट्रियल गुंजन खेमका वॉज शॉट डेड, और अ यंग इंडस्ट्रियलिस्ट, सर एक थी ना, साफ तो पता लग रहा है, नाम एक लिखा है, और इंडस्ट्रियलिस्ट का प्लूरल भी बनता है. इंग्लिश में जिस वर्ड का प्लूरल बनेगा उसको आर्टिकल अ एन की जरूरत होगी. सो इट शुड बी अ यंग इंडस्ट्रियलिस्ट. तो मुझे वन में इंप्रूवमेंट चाहिए. अगर वन में इंप्रूवमेंट चाहिए तो ये ऑप्शन तो जमाई कट गया, ये ऑप्शन जमाई कट गया, और ये ऑप्शन जमाई कट गया. सी, एक छोटे से आपके ट्रिक से तीन ऑप्शंस तो आप ऑलरेडी काट चुके हैं. तो या तो आंसर इसका ओनली वन एंड थ्री होगा, या वन ऑफ द वन टू एंड थ्री होगा, है ना? अब देखो कैसे करना है. अ यंग इंडस्ट्रियलिस्ट गुंजन खेमका वॉज शॉट डेड ऑन थर्सडे. अब ये बोल रहा है इन थर्सडे, इसको तो परे मारो यार, ये करेक्शन नहीं चाहिए मुझे, ये तो सही लगा है. यहां पे देखो क्या बताया, ओनली वन एंड थ्री, वन टू एंड थ्री, राइट? अब एक और चीज देखते हैं, सर इसने वन टू एंड थ्री बोला था, बट फिर भी देख लेते हैं. एट द गेट अक्रॉस तो जमाई गल, देखो दो रीजन मिल गए सेकेंड ऑप्शन को कट करने के, यानी इसका सही है, ठीक है, इसका पहले वाला गलत और दूसरा वाला सही. यंग इंडस्ट्रियलिस्ट की जगह अ यंग इंडस्ट्रियलिस्ट गुंजन खेमका वॉज शॉट डेड ऑन थर्सडे एट द गेट ऑफ हिज फैक्ट्री एट, नो, एट इज फॉर समथिंग दैट गिव्स यू स्पेसिफिक का आइडिया. अभी स्पेसिफिक का आइडिया कैसे मिलता है मैं बताता हूं. जैसे जैसे कोई भी एक ऐसी चीज जिसका गेट हो, जैसे ज्ञानम इंस्टीट्यूट, लोग लिखते हैं एट द जिम, लोग लिखते हैं एट द सिनेमा, राइट? इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, जिसका गेट हो, राइट? सो अब ये जगह का नाम है हाजीपुर. भाई जब जगह आ जाए, छोटी हो बड़ी हो, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. सो हम लोग क्या लगाएंगे प्लेस के लिए, इन, यानी इसमें तो गलती है. सो इट सेज ओनली वन एंड थ्री. सो आंसर इज अ यंग इंडस्ट्रियलिस्ट गुंजन खेमका वॉज शॉट डेड ऑन थर्सडे एट द गेट ऑफ हिज फैक्ट्री इन हाजीपुर नियर पटना. So this is something which is not difficult, it's something which is time consuming. You need to understand one thing, ki bhai kai cheeze time consuming hoti hai, usko hum kaise hisab se karenge, right? Abhi second wala usi tarike se, right? The allegation against Mr. Chattopadhyay is that, allegation hai bhai, singular to hai, is to sahi hai, ठीक है, वो ये है कि ये दैट का मतलब की है, इसको छेड़ नहीं सकते भाई, बिल्कुल सही है. अगेंस्ट चट्टोपाध्याय का नाम भी सेम ही होगा ऑफ कोर्स. एलिगेशन क्या होता है सर? एलिगेशन होता है आरोप. अच्छा, आरोप आपको पसंद है कि नहीं पसंद है? सर किसको पसंद होगा आरोप, कैसी बात कर रहे हैं? जो आरोप पसंद नहीं है तो फिर खिलाफ होगा कि साथ होगा, देख लेते हैं. देखना फॉर, उसके लिए मैं फ्लावर्स लाया हूं कि उसके लिए मैं एलिगेशन लाया हूं? सर उसके लिए फ्लावर्स लाया. सो फोर्थ तब लगाते हैं जब आप समथिंग पॉजिटिव. चंडीगढ़ पुलिस की पीसीआर देखोगी, वी केयर फॉर यू, है ना, हम आपके लिए करते हैं ये काम. सो क्लियर से इज वन थिंग कि फॉर इज समथिंग पॉजिटिव, एलिगेशन तो खुद ही नेगेटिव वर्ड है, तो खिलाफ ही होगा. तो ये आ गया अगेंस्ट. तो यहां से प्रूव क्या होता है, वही वन में तो पक्का गड़बड़ है, तो ये ओनली टू ओनली थ्री काट दो, ठीक है जी.
तो ये तो आ गया वन में पक्का गड़बड़ है. द एलिगेशन अगेंस्ट, पक्का गड़बड़ नहीं है मतलब, राइट हाँ, क्योंकि वो तो ऑल करेक्ट निकला अपना. हाँ, तो द एलिगेशन अगेंस्ट यानी ये वाला तो गलत हो गया. मिस्टर चट्टोपाध्याय इज दैट ही टुक मनी फ्रॉम वेरियस चिट फंड कंपनीज. ही टेकन मनी, क्या है इसको पढ़ के शर्म आ जाए, या तो हैज टेकन लगाओ या हैड, है ना, हैज हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ये तो जमा ही गलत है. ही टेकन, कौन सा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आ जाता है, सो इट इज रॉन्ग ऑल्सो. सो यहां से ही टुक मनी फ्रॉम वेरियस चिट फंड कंपनी, ये भी सही है, तो यानी कि टू में भी कोई गलती नहीं है. हाँ, एंड डिवेस्टेड इट थ्रू एम एस दिशा प्रोडक्शंस एंड हैज बीन नो अगैन, सो इट इज सरपास्ट ही चल रहा है, सो इसमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड, राइट. मूविंग ऑन फर्दर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आर हिडन. देखो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आर हाइडिंग इन के आर हिडन, आई डोंट नो सर, कुछ भी हो सकता है, तो इसको होल्ड पे रख लो जहां पर आपको कंफ्यूजन हो. मैं आपको डायरेक्ट आंसर देने नहीं आया हूं, मैं एज अ स्टूडेंट काम करने आया हूं कि एग्जाम में जब आएगा तो हम लोग क्या करेंगे. सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आर हिडन या आर हाइडिंग इन योर फूड, नॉट जस्ट फॉर द मीट एंड फिश बट ऑल्सो इन योर टोमेटोज. अच्छा देखना, ये छुपे हुए हैं ना, हाँ जी, खाने में, तो इट इज दिस. अभी देखो ये जो नॉट है, ठीक है, नॉट है, इसका पैर किसके साथ बना, बट ऑल्सो, सुना होगा नॉट ओनली बट ऑल्सो. सो नॉट का पैर बना बट ऑल्सो के साथ. अगर गाइज नॉट का पैर बट ऑल्सो के साथ बना तो ये सिमेट्री चलाएगा, क्योंकि पैर इटसेल्फ मींस जो सिमिलैरिटी मांगेगा, राइट. अब जो सिमिलैरिटी मांगे तो शुड बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आर हिडन या हाइडिंग, बाद में बताता हूं, इन योर फूड, नॉट जस्ट फॉर द मीट, कि नॉट जस्ट इन द मीट, सर इन आएगा, सो ये वाला गड़बड़ है, बट ऑल्सो फॉर, नहीं नहीं सर फॉर नहीं आएगा, ये वाला गलत है. ठीक है जी, तो अब इतना तो पता, टू में पक्का एरर है, ये देखो टू है ना, ये तो है. अब वन, अब देखो हिडन, वो छुपे हुए हैं कि वो हाइड करते हैं, सर वो हाइड कर रहे हैं उसमें, सो वी कैन से. और एक बात और बताता हूं, ओनली टू को ऑप्शन आपको दिख रहा है कहीं, नहीं, तो आप डेफिनेटली एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इसको भी चूज करेंगे. जिन लोगों को नहीं समझ आ रही है हिडन हाइडिंग क्यों आएगा, राइट, सो बेस्ट तरीका है ना ये, तो कहता है वो आपके उसमें छुपे हुए हैं, काम चल रहा है, ऑन गोइंग, परसुइंग, आईएनजी सेज कंटिन्यूअस, सो वी आर यूजिंग आईएनजी ओवर है, राइट. हाँ, तो ये आपके लिए कुछ कनेक्टर्स का सीन आया है, राइट. और गाइज, मेजर ट्रेडिंग पावर ट्रीट चाइना एज अ नॉन मार्केट इकोनॉमी, मेजर ट्रेडिंग पावर्स वुड इंसिस्ट ऑन असर्टेनिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं, आप एक बार पढ़ें, राइट. अब एक बात और बताता हूं, मैंने जानकर ये वर्ड नहीं लिखा है गाइज, आई एम टेलिंग यू, अब ये एक वर्ड देंगे आपके लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो वर्ड आपको गिवन है दैट इज कन्वर्जली, द वर्ड इज कन्वर्जली, राइट. सो लेट्स फाइंड इट आउट, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कन्वर्जली, कन्वर्जली का मतलब समथिंग दैट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग, ऑपोजिंग, उल्टा. देखें, मेजर ट्रेडिंग पावर ट्रीट चाइना एज अ नॉन मार्केट इकोनॉमी, अच्छा, मेजर ट्रेडिंग पावर्स, ठीक है, वुड इंसिस्ट ऑन एसर्टेनिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स विद रेफरेंस टू द प्राइसेस इन अ थर्ड कंट्री टू एंश्योर दैट डोमेस्टिक फर्म्स डू नॉट गेट एन अनफेयर ट्रेड एडवांटेज. कहता है एक तो वो नॉन मार्केट इकोनॉमी कंसिडर करता है और दूसरे हाथ पर उसको ये बोल रहा है कि ऐसा, सर सीन पता क्या है, ये बोल रहा है दूसरे हाथ में ऐसा है, ये तो कन्वर्ज ही नहीं है बेचारा. पहले बता रहा है चाइना को नॉन मार्केट इकोनॉमी बनाता है, आगे बता रहा है वो वैल्यू ऑफ गुड्स फिक्स रखता है प्राइसेस के अकॉर्डिंग में किसी और कंट्री में जाने के लिए, और डोमेस्टिक फर्म्स को ऐसा ना मिले कि अनफेयर हम कर रहे हैं, कि डोमेस्टिक फर्म ही ना आगे बेचते हैं सस्ते दामों पर और गवर्नमेंट को नुकसान हो जाए. तो सर चाइना और ये किस हिसाब से ट्रेड करते हैं, मैं कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, पीयूष तो अच्छा पढ़ाता है लेकिन आज खाना अच्छा नहीं बना है. अरे भाई, पीयूष का खाने से क्या लेना देना. हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं पीयूष तो अच्छा पढ़ाता लेकिन इंग्लिश समझ नहीं आई. नहीं, ऐसे ना बोलना यार, मैं तो बहुत एफर्ट डालता हूँ. एनीवेज, पे फोकस. हाँ, द क्वेश्चन सेज नाउ
कहता मेजर ट्रेडिंग ये कहीं पे रिलेटेड नहीं है सर, ये नहीं, बात नहीं बनी। इंडिया का टॉप 1% अब 58% कंट्री की टोटल वेल्थ को जो है वो होल्ड करता है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफर्ड स्टडी। इनइक्विटी ऑगर नहीं करती है जितनी वो इलिसिट वेल्थ के साथ करती। सर इनइक्विटी डज नॉट ऑगर वेल एज इट इज एज मच अ ग्लोबल कंसर्न एज इलिसिट वेल्थ। तो इतना इनइक्विटी नहीं है जितना इलिसिट वेल्थ। इलिसिट इज समथिंग व्हिच इज इलीगल, है ना। तो सर ये कहां वाइल आया, एक तो बोल रहे हो 1% जो अमीर लोग हैं वो 58% वेल्थ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ऑन द अदर हैंड आप ऐसा बोलेंगे क्या? ये कोई लिंक ही नहीं है। एक तो बात आप इंडिया के टॉप 1% की कर रहे हैं, ऊपर से आप इनइक्विटी एंड इलिसिट वेल्थ के बारे में बता रहे हैं, समथिंग विच इज नॉट प्रॉपरली प्रोपोर्शनल रेट, राइट? अगर ये प्रोपोर्शनल नहीं है। अब कहता है जब नाइट स्काइज क्लाउडी हो जाते हैं और ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड्स जो है वो प्रिवेंट करता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को अर्थ के सरफेस से, ताकि वो आपकी एस्केप ना हो सके एटमोसफेयर तक, ठीक है, जो कि नाइट को गर्म रखता है। जब डे स्काई क्लाउडी होते हैं वो सोलर रेडिएशन को प्रिवेंट करता है ताकि वो अर्थ की सरफेस पे आए, ताकि अर्थ ठंडा रहे। ये देखो सर ये क्या कह रहा है, नाइट स्काई क्लाउडी होते हैं ब्लैंकेट जो है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को आने से जाने से मना करता है, ताकि वहां पर जो तापमान है थोड़ा थोड़ा गर्म गर्म रहे। बट जब सन आता है तो वो रोकता है सोलर रेडिएशन को कि अर्थ सरफेस तक आए, जिससे टेम्परेचर ठंडा रहे। ये हुआ ना कन्वर्जली। सो द आंसर इज 3। तो यहां कन्वर्जली वर्ड लगेगा कहां? यहां पर, राइट? अब द हरिकेन्स दिस फॉल आर मेकिंग इट हार्ड। अब देखो अब आपके पास ये आया, अब यहां पर जो आपको वर्ड दिया है ये तीनों पढ़ लेना आप, राइट? आपको जो वर्ड दिया है दैट इज ऑल्दो। आपके लिए जो वर्ड आया है वो क्या है? ऑल्दो, ठीक है। ऑल्दो का मतलब क्या होता है? ऑल्दो इज समथिंग हैरानी की बात। हैरानी की बात कैसे? कहता देखो हैरानी की बात होगा कि नहीं होगा, ध्यान से सुनना। कहता हालांकि, देखो इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो हालांकि हो जाएगा यहां पर, बट मैं आपको समझाने का तरीका बता रहा हूं। हैरानी की बात, आप इसको लिख भी लेना कहीं पे, हैरानी की बात, दिस विल हेल्प यू आउट इन फ्यूचर। मैं बताता हूं कैसे। कहता हालांकि विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, इंडिया हार गया, तो हैरानी की बात है। एक तो पर्सन ने इतना अच्छा परफॉर्म किया पर इंडिया हार गया। हालांकि वो चोर है, उसने चोरी करके पैसा चैरिटी में दे दिया, अरे भाई ये भी हैरानी की बात है। अभी इतना जोखिम उठाया उसने चोरी करने का और ऊपर से पैसा कहां दे दिया? चैरिटी में दे दिया। हालांकि उसकी लेग में बहुत पेन था, चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने सेंचुरी मारी। दिस इज कॉल्ड समथिंग विच रिप्रेजेंट्स ऑल्दो। बाय द वे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऑल्दो इज इक्विवेलेंट टू दो। आप ऑल्दो लगाए दो लगाए एक ही बात है, नो मैटर व्हाट, राइट? चले अभी ऑल्दो हालांकि की बात हो रही है ना, अभी किस हिसाब से चलेगा ये आपको देखना है। ऑल्दो का एग्जैक्ट मतलब क्या है? जो उल्टा करता है, एक तरह से हैरानी की बात दिखाता है, राइट? कहता है हरिकेन जो है वो बहुत हार्ड कर रहे हैं डिटरमिन करने के लिए कितना गुड ये रहा है ना। अब देखें द हरिकेन, ऑल्दो द हरिकेन्स दिस फॉल आर मेकिंग इट हार्ड टू डिटरमाइन जस्ट हाउ गुड इट हैड बीन, जॉब ग्रोथ हैड बीन मॉडरेटली गुड। जॉब ग्रोथ तो ठीक ठीक रही है, राइट? अब यहां से क्या कहता है, ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे। नीचे वाला, कंट्री की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ तो हाई है लेकिन कैपिटल स्टॉक ग्रोथ वो बहुत स्लो हो रही है। ये भी सर हैरानी की बात हो रही है, उल्टा चल रहा, कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा। पार्टी वोटर्स ने फर्नांडिस में एम करता है कोर्ट को कि वो तो फेवर में है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के, फ्रेंच कंपनीज के, ऑल्दो मेनी ऑफ इट्स मेन फिगर्स आर लिबरल इन इकोनॉमिक टर्म्स। ये भी उल्टा जा रहा है, एक तो पार्टी में तो वोटर्स ये कहते हैं कि ये जो एम कर रहा है कोर्ट को ये तो फेवर में प्रेडिक्शंस के, लेकिन उसके फिगर तो बिल्कुल लिबरल चल रहे हैं इकोनॉमिक में। सो यहां से भी प्रूव होता है ये भी रिवर्स है। अभी देखो, अब एक तो बोथ 2 और 3 है, एक है द हरिकेन दिस फॉल आर मेकिंग इट हार्ड टू डिटरमिन जस्ट हाउ गुड इट हैड बीन, जॉब ग्रोथ हैड बीन मॉडरेटली गुड। एक तो बोल रहा है, ये बोल रहा है डिटरमाइन करने के लिए कितना अच्छा था, हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहां वो बोल रहा है वो तो मॉडरेटली अच्छा किया है। एक तो बोल रहा है कि पता ही नहीं लग रहा कितना है, एक बोल रहा है मॉडरेटली अच्छा है। सो दिस रिजेंबल्स कि ये भी रिवर्स है,
हेंस द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव के बाद ऑल द बेस्ट टू यू गाइस. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. विल कम विद मोर सेशंस इन फ्यूचर. थैंक यू. टेक केयर. एंजॉय. ऑल द बेस्ट.